जाना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है। आतंकी हमले में दो जवान जख्मी भी हुए हैं और फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से आतंकी अपनी नाकाफी नाफरमान चीजों को आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार सेना उनसे मुठभेड़ कर रही है, उनसे दो दो हाथ कर रही है, लेकिन एक के बाद एक हमले ये बताते हैं कि पाकिस्तान परेशान है कि किस तरह से कश्मीर का चैन और अमन छीना जाए। इस बड़ी खबर पर बात करने का रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता का, जो हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। प्रदीप, हम कोशिश करते रहे और वो नाकाम करने की कोशिश में लगे रहे, लगातार हमले हो रहे हैं, सेना का जवान हमारा शहीद हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर अभी आपके पास? देखिए, एक बार फिर से ये बुजदिलाना हरकत हुई है टेररिस्ट की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से। कल ये शाम को दवाल हाजीपुरा का एरिया है जहां पे ये इन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में एक हमारा पुलिसकर्मी शहीद हो गया, दो इंजर्ड हो गए, इनको अस्पताल पहुंचाया गया जी, दो की कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। ये हादसा उस समय आया जब वो ट्रैफिक जैम हुआ था, उस ट्रैफिक को ठीक करने की कोशिश कर उस दौरान देखिए ये आते हैं, फायरिंग करते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे किस तरीके से बनिहाल में जब लोग सोए हुए थे, वर्कर मजदूर उनसे उन्होंने ग्रेनेड मारा, और यहाँ भी जब ट्रैफिक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को कोई बम ना हो, लोगों के खड़े थे ये लोग, जैसे ट्रैफिक हटा रहे थे उसके वक्त ये टेररिस्ट आए, कायराना हरकत देखिए किस तरीके से उन्होंने फायरिंग की, जिसमें निसार अहमद कॉन्स्टेबल शहीद हो गया और वो इंजर्ड हुए, अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद से तब जब चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो दुखद